हेलो दोस्तों, टोल पे ऑन करने के लिए 3 नंबर तो कंटिन्यू ये बटन मेनू बटन को दबाना है। जैसे देख सकते हैं, जैसे दबाई है टोल पे ऑन हो गया, उसके बाद एल बनाना है। एल बनाने से यहाँ सेटिंग खुल जाएगा, ठीक है, टोल पे सेटिंग। उसमें डबल टिक करना है, उसके बाद 2 फिंगर से आपको उठाना है, फ़ोन को स्वाइप करना है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे जो है, नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद क्रोम जैसे खुल रहा है, क्रोम में आपको क्लिक करना है। डबल टैप करके ही वो टच वर्क करेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे यानी ऑप्शन खुल जा रहा है, यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है, नो थैंक्स। उसके बाद वहाँ सर्च बार में आपको जाना है, वहाँ पे प्लस वाले चिन्ह पे जाना है। उसके बाद ये 3 मरतबा दबा के ये टोल बाइक को ऑफ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो टोल बाइक ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ सर्च करना है क्विक शॉर्टकट मेकर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक शॉर्टकट में मेकर इनेबल करके ओके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ ओपन कर लेना ये एक शॉर्टकट मेकर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको नॉर्मली वो सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, उसको यहाँ नीचे सबसे नीचे जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाके आप यहाँ चेक कर सकते हैं आप कि ये आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, ठीक है। अबाउट में जाना है, अबाउट में जाने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ दिखेगा, देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 5.11, ठीक है। तो इसको नॉर्मली फिर से बाइक जाने के बाद जैसे क्विक शॉर्टकट मेकर जो डाउनलोड किए उसी तरह इसको भी गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1.1 को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे आप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ये जैसे इंस्टॉल होता है आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद क्या होगा, फिर से वो क्विक शॉर्टकट मेकर जो है वो फिर से मतलब इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोम से खुले तो क्रोम में डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं खुलता है, इसलिए सबसे पहली बात है कि इसको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा तभी जाके खुलेगा, ठीक है। नहीं खुलेगा, फिर से क्विक शॉर्टकट मेकर डाउनलोड करना होगा तभी जाके खुलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे खुला हुआ है, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, देख सकते हैं ये डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं खुला हुआ, ठीक है। तो फिर से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। रिप्लेस में डाउनलोड जाके वहाँ से करना है। जैसे आप ये डाउनलोड होगा, जैसे देख सकते हैं नीचे आपको खुल चुका है, ठीक है। क्विक शॉर्टकट मेकर में जाके फिर से क्लिक करना है, रिप्लेस कर लेना है।
प्रेस पर करने के बाद ये डाउनलोड होने लगे, डाउनलोड हो चुका है, उसको ओपन करके फिर से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जैसे इंस्टॉल होता है उसके बाद आगे का प्रोसेस जो मेन है वो हम आपको बताते हैं क्या करना है। यहाँ पे ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद वीडियो थोड़ा सा धुंधला हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है गूगल अकाउंट, गूगल स्पेस देने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, गूगल अकाउंट में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप ईमेल जहाँ पे लिखा है फर्स्ट में उसमें जाना है, ठीक है। तीसरे चौथे नंबर पे टाइप ईमेल में वहाँ जाना है, फिर से वहाँ टाइप करना है। उसके बाद राइट साइड जो थ्री डॉट है उसमें दबाना है ब्राउजिंग, उसको जाना है, फिर ओके। यहाँ पे आपका जो जीमेल है वो आपका जो जीमेल है, जो ये जीमेल याद है आपको, वो यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर दें। जो जीमेल है आपको यहाँ पे टाइप कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आप करते हो उसके बाद यहाँ पे जीमेल का वो पासवर्ड डाल दें। जैसे आप पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे साइनिंग होने लगेगा, ठीक है। जैसे ये लिखेगा उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, आपको ये फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे रीस्टार्ट कर ले फ़ोन, रीस्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं ये फ़ोन जैसे चालू होता है, आप देख सकते हैं FRP बाईपास हो चुका है, ठीक है।